हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लकीज़ कॉर्नर। फ्रेंड्स, पराठे तो हम लोग अक्सर खाते रहते हैं। मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक हटके पराठा। ये है मेथी पराठा का रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए आज हम लोग बनाते हैं मेथी पराठा। ये मैंने मेथी लिया है, इसको कट करके मैंने धो लिया है। मेथी को मैं पीस लूँगी। इसके साथ में मैं ऐड करूँगी अदरक थोड़ी सी। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, जितना कम हो सके, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये मैंने मेथी को पीस लिया है। अब एक बर्तन में मैं इसको डालूंगी। अब इस मेथी के पेस्ट में मैं ऐड करूंगी, देखिए, अजवाइन छोटा चम्मच, जीरा छोटा चम्मच, हल्दी बिल्कुल थोड़ा सा, और ये है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और मिर्ची पाउडर। इन सब चीज़ों को इस मेथी के पेस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करूंगी नमक। नमक ध्यान रखिए ज़्यादा ना हो जाए। और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा घी, कुछ एक चम्मच के करीब। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी आटा, थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करना है। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिक्स करना है, बिना पानी के इस आटे को गूंथ लेना है। और इस पराठे को बिल्कुल सॉफ्ट करने के लिए मैं और एक चीज़ ऐड करूंगी, और वो है दही। ये आधे कटोरी दही लिया है मैंने। दही डालने से पराठा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और इस डो को हाथों से नरम गूंथ लेना है हम लोगों को। गूंथते समय ध्यान देना है कि और अगर आटा लगेगा तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं मिक्स करना है। ये देखिए, मेथी पराठा बनाने के लिए मैं तवा रख दिया है। और अब हम लोग पराठे को बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पराठे का डो रेडी है, बिल्कुल सॉफ्ट। और इसको अब हम लोग पराठा बनाएंगे सूखे आटे के हेल्प से। ये देखिए, ऐसे लोई बना के। और इसकी बड़ी सी रोटी पहले बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। दही डालने के कारण आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और इसके लगाना है अब घी। और घी लगाने के बाद में थोड़ा सा सूखा आटा ऐसे ऐसे इसको छिड़क देना है। ये टिप्स है आटे की, ये जो टिप्स है इससे पराठे की बहुत अच्छी परत खुलती है जब पक जाता है पराठा तो। और इधर भी घी लगा लेना है हम लोगों को, और यहाँ भी सूखा आटा छिड़कना है। और इस तरीके से हम लोग हल्के हाथों से पराठे को बेल लेंगे। बहुत टेस्टी और यम्मी डिश है ये, आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। तवा गरम हो गया है और अब इसमें ये पराठा मैंने डाल दिया। और अब इसमें लगाएंगे घी। घी या तेल जो आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं यहाँ पे घी का यूज कर रही हूँ। मेथी का पराठा बहुत टेस्टी लगता है और मेथी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरा डिश कैसा लगा। इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड सेक लेना है हम लोगों को। एकदम सॉफ्ट यम्मी पराठा मसालेदार रेडी है। मेथी का पराठा कोई भी सब्जी के साथ में खाइए, अचार के साथ में खाइए या दही के साथ में। ये देखिए, रेडी है मसालेदार मेथी पराठा। आप कीजिए इंजॉय इस पराठे को। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आपको करना है मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।